सागर में दिव्यांग महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। रायसिंह फ्लेम द्वारा नेहरू युवा केंद्र में सामाजिक कार्यकर्ता जयश्री चटार ने दिव्यांग महिलाओं को एकत्रित कर कार्यशाला आयोजित किया और उन्हें समाज में होने वाली दिव्यांगों और महिलाओं के प्रति हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, भेदभाव और उनके खिलाफ होने वाली कानूनी कार्रवाई के बारे में बताया गया। वही एडवोकेट तुलसी राम चटार ने दिव्यांग महिलाओं और बच्चियों के साथ होने वाली घटनाओं को लेकर और उनसे निपटने के लिए कानूनी धाराओं की जानकारी भी दी। दिव्यांग महिलाओं के साथ जो भेदभाव समाज में होता है, जिस भेदभाव की दृष्टि से उनको देखा जाता है, जाने अनजाने घरों में भी उनके साथ बहुत सारे भेदभाव होते हैं। तो इस विषय को लेकर कई बार जो मानसिक विकलांग बच्चियां होती हैं, जो विकलांगता के कारण डरी हुई जो बच्चियां होती हैं, वो अपने यौन शोषण के बारे में भी किसी से बात नहीं कर पाती हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर ये कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें इनको घरेलू हिंसा और कई प्रकार की जो छोटी छोटी हिंसाएं महिलाओं के साथ होती हैं और यौनिक हिंसा जो महिलाओं के साथ होती है, जो शोषण महिलाओं के साथ होता है, उस पर इन लोगों को जानकारी दी गई कि किस तरह से आपके साथ समाज में ये भेदभाव किया जाता है और आप उसको किस तरह से फेस करेंगे और उन चुनौतियों का सामना आप कैसे करेंगे। महिलाओं के अधिकार कानूनों के प्रति हमने जागरूकता रखी और दिव्यांगों के संबंध में महिलाओं के साथ जो भेदभाव होते हैं, उनके घर में घरेलू हिंसा होती है, घरेलू हिंसा कानून के संबंध में बातचीत रखी और दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के संबंध में भी कानूनों की जानकारी दी है।